मैं आते वक्त रास्ते में अटॉर्नी मोटवानी के यहां गया था। तुम्हारा केस डिस्कस करने के लिए। तुम्हें तो मालूम ही है कि मैं डिवोर्स के केसेस लेता नहीं, इसलिए। क्या कहा उन्होंने? तलाक तो तुम्हें मिल ही जाएगा। तो अगर जैनी ने अकल से काम लिया तो, लेकिन अगर वो अड़ गई तो। वो तो अड़ंगा डालेगी। बेटे, कानून सिर्फ अंधा ही नहीं, बल्कि वो जो उसकी चाल होती है ना, वो भी कछुए जैसी होती है। तलाक के बाद अगर रश्मि से तुम्हारा शादी करने का इरादा हो तो शायद जिंदगी भर मुझे इंतजार करना पड़ेगा, यही ना? इतनी पेशेंस है तुम में? और दूसरा रास्ता भी क्या है भाई? तुम में इतनी पेशेंस हो सकती है, लेकिन मेरे पास इतना वक्त नहीं है। मैं तो चाहता हूं मेरे जीते जी तुम्हारा उजड़ा घर एक बार फिर से बस जाए, बस यही इच्छा है। आप कहना क्या चाहते हैं? तलाक मिलने के बाद तुम रश्मि से शादी कर ही लो, लेकिन तब तक पति पत्नी बनकर रहने में तुम्हें कोई इतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन डैडी, मैं जानता हूं ये रास्ता उतना आसान नहीं, लेकिन तुम दोनों को ये कुर्बानी देनी ही पड़ेगी। तुम्हें ये कीमत चुकानी ही पड़ेगी राज। खैर, मैंने अपनी तरफ से हरी झंडी दिखा दी, आगे तुम्हारा फैसला। नहीं, मैंने अपनी गलती को सुधारने का फैसला कर लिया। मैं रश्मि को भी समझा दूंगा, तलाक होने तक हम घर नहीं बसाएंगे। और ये मेरा आखिरी फैसला है।